हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेटस बार के कुछ नए ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अपना शो इन हाइट ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद है अपना क्विक प्रॉपर्टी, उसके बाद है सिलेक्शन साइकिलिंग, और लास्ट है अपना एनोशन मॉनिटर। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा इसको थिक कर देता हूँ, तो ये मैं पकड़ के इसको इतना थिक कर देता हूँ। तो ये देखने के लिए मैं क्या करूँगा, तो शो एंड हाइड लाइन वेट कर दूंगा, तो ये दिखेगी। फिर मैं अगर चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जाके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन रख देता हूँ। ठीक है, इतना कर दिया हमने। अब मुझे क्या करनी है, तो इस लाइन की मुझे ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज करनी है, थोड़ा लाइट करने रहा है ट्रांसपेरेंसी को। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, फिर ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप जैसे जैसे करते जाओगे, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगी, पर आपको दिख नहीं रही। फिर से वही आया कि आपको दिख नहीं रही ट्रांसपेरेंसी, तो मैं चेंज कर रहा हूँ पर आपको दिख नहीं रही। तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे जाके शो एंड हाइड ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर देना है। ऑन कर दोगे, उसके बाद जब आप ट्रांसपेरेंसी को चेंज करोगे आपको दिखेगी। ठीक है, आपको दिखेगी कि कितनी चेंज हुई है। ठीक, तो ऐसे आप देख सकते हैं ट्रांसफर, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को चेंज हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्विक प्रॉपर्टीज। क्विक प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्विक प्रॉपर्टीज़ है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं से आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो कैसे, तो जैसे कि यही लाइन को ले लेते हैं, तो यही लाइन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं दूसरे लेआउट में हूँ, जैसे कि मॉडलिंग में हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी, या फिर मुझे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। पर आप अगर आपके पास क्विक प्रॉपर्टीज़ है, आप उसको ऑन कर लोगे, तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्विक क्लिक करते हो तो क्लिक के बाद यहाँ पे डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो आप यहाँ से भी जो चेंज करना है थोड़ा बहुत आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो क्विक प्रॉपर्टीज़ है तो वो बहुत सिंपल सा है और अच्छा कमांड है, जब आप क्लिक करें हो तो आपको आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ झंझट नहीं है। फिर है अपना सिलेक्शन साइकिलिंग। अब सिलेक्शन साइकिलिंग एक इम्पोर्टेंट कमांड है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा चेंज कर लेता इसको, अपना पुराना वाला जो लेआउट है उसमें चला जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा अपना है लेआउट। अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है चलो, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस लाइन को मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं क्विक प्रॉपर्टी ऑन कर लेता हूँ। फिर इस लाइन को जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, फिर इस लाइन को मैं यहाँ पे येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे ये दोनों लाइन कोइंसाइड करता हूँ मैं, जब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे मैं लेके गया, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं करके यहाँ पे मैं इसको कोइंसाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब रेड और येलो कोइंसाइड हो गई है। तो मैं अभी जब ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये येलो लाइन सिलेक्ट हो रही है। अब येलो लाइन सिलेक्ट हो रही है तो मुझे कॉपी तो मुझे रेड वाली लाइन की करनी है, तो मैं क्या करूँगा, तो रेड वाली लाइन की कॉपी करनी है, तो यहाँ पे दिख तो नहीं रहा कि रेड वाली लाइन कहाँ गई, तो
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे है सिलेक्शन साइकिलिंग। अब सिलेक्शन साइकिलिंग जब आप ऑन करोगे और जब आप लाइन पे जाओगे तो आपको ये दो स्क्वेयर जैसे ऑप्शन दिखेंगे। जब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं दो लाइन आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूछ रहा है वो कि आपको रेड को सिलेक्ट करना है या फिर येलो को करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे कि रेड को सिलेक्ट करना है, रेड सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्शन साइकिलिंग भी एक यूज़फुल कमांड है, ठीक है। अब लास्ट है अपना, ये भी सिंपल था, लास्ट वाला भी सिंपल है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एनोशन में जाता हूँ, उसके बाद मल्टी लीडर में जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे जैसे कि एक यहाँ पे मैं पकड़ के यहाँ पे सर्कल लिख देता हूँ, ठीक है, सर्कल लिख दिया। अब मैं दूसरा मल्टी लीडर लेता हूँ, यहाँ से मैं करके ये भी सर्कल लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ एनोशन मॉनिटर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे येलो पे एक्सक्लेमेशन मार्क जैसा एक आ गया है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि ये कहीं के साथ भी जॉइंट नहीं है, ठीक है, और ये ऐसे ही आपका झूल रहा है, मतलब आपने यहाँ पे कुछ गलती की है, ठीक है। ये इसमें नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि मैंने ये सर्कल के पेरिफेरी से लिया था, इसके साथ एसोसिएट कर दिया था, ठीक है। जब इसको भी मुझे करना है कुछ तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे येलो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो उससे पहले ये देख लीजिए आप, यहाँ पे राइट पे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको रेड दिखेगा, यानी कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है, ये ड्राइंग में कुछ गड़बड़ है। तो वे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं थोड़ा इसको पहले, सबसे पहले तो क्विक प्रॉपर्टी को बंद कर देता हूँ, ठीक। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो वो उसको डिलीट कर देगा, या फिर री एसोसिएट का ऑप्शन आएगा। जब मैं री एसोसिएट में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या पूछेगा, पॉइंट पूछेगा कि आपको किस पॉइंट के साथ अथवा सर्कल के किस पॉइंट के साथ इसको एसोसिएट करना है। तो जैसे कि मैंने इस वाले पॉइंट के साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है, तो ये इस वाले पॉइंट के साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है। जैसे अब मैं सर्कल में जो भी चेंज करूँगा, जैसे कि यहाँ पे रेडियस में मैं चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसके साथ वो मल्टी लीडर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये एनोशन मॉनिटर में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी ड्राइंग में जो जो गलतियां हैं तो वो मुझको दिखाएगा, ठीक है, उसकी मदद से मैं उसको रिसोल्व भी कर सकता हूँ। तो ये चारों ऑप्शंस बहुत सिंपल है, अगर आप यूज़ करोगे एक दो बार तो आपको आसानी से आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।